बागपत कलेक्टर सभाकर में चैत्र नवरात्रि और रमजान को लेकर मंगलवार को शांति समिति का बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी राजकमल यादव ने की है। बैठक में दोनों समुदाय के धर्मगुरु और संपदा लोग पहुंचे। इसमें बता दें कि जिलाधिकारी ने अपील करते हुए कहा कि आपसी फर्क और मेलजोल के साथ दोनों समुदाय के लोग त्यौहार को मनाए। कलेक्टर में आयोजित हुई शांति समिति की बैठक में हिंदू नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि और रमजान को लेकर दोनों समुदाय के धर्म गुरु ने अपने अपने विचार रखे। जिलाधिकारी राजकमल यादव ने कहा कि क्षेत्र में कोई भी समस्या हो तो तुरंत जिला पुलिस प्रशासन को अवगत कराया जाए। ये आज जिला कलेक्ट्रेट में हमने शांति सुरक्षा की मीटिंग की है डीएम साहब की अध्यक्षता में, और यहाँ पे जो भी आवश्यक दिशा निर्देश है जिससे जो आगामी त्यौहार है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके वो दिए गए हैं। और जो शांति समिति के सदस्य उन्होंने भी अपनी अपनी कुछ बात रखी है, उन सबको नोट कर लिया गया है, और दूसरे विभाग के भी सभी अधिकारी यहाँ मौजूद थे, उन सबको भी निर्देशित कर दिया गया है कि ये जो आगामी त्यौहार है उसमें कोई भी किसी को कोई भी दिक्कत ना हो और जो त्यौहार है वो हर्ष और उल्लास और शांति के साथ संपन्न हो। देखिए, जो हमारे नवरात्रि का जो पर्व आने वाला है, जो रमजान का पावन महीना आने वाला है, उसमें हम सभी लोगों ने आज यहाँ बैठक करी है, और समाज के सभी लोग, हमारी पीस कमेटी के सभी लोग और जितने भी मौजूद लोग हैं समाज के, वो लोग आज यहाँ उपस्थित हुए थे और सब लोगों से चर्चा हुई है। उनकी क्या डिमांड्स हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनको हम लोगों ने सुना है, और हमारी क्या अपेक्षा है उनसे उसके बारे में बात की गई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी लोगों के सहयोग से, आपसी सहयोग से, आपसी सौहार्द से इस पर्व को हम लोग बहुत हंसी खुशी से मनाने में कामयाब रहेंगे। सर, कुछ स्थान ऐसे हैं, मस्जिद और मंदिर एक साथ हैं, बिल्कुल मुझे पूरा भरोसा है कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चीज़ें जहाँ भी एक साथ में, हमारा समाज बहुत एकजुट है, एक साथ है, और कहीं पर भी इस प्रकार की कोई चीज़ है तो वो बैठ के समझाई जाएगी। और हमें सभी हमारे SDM CEO साहबान इस बात पर लगे हुए हैं, आज सभी लोगों से संबंध में चर्चा हो गई है, और अगर टाइमिंग कोई इश्यू हो तो हम उसको मैच कराएंगे।